हेलो गाइज, राम राम सभी को। तो स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। और कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे ईश्वर की कृपा से। तो गाइज, आज भी देख सकते हो आप मौसम मतलब कैसा हो रहा है एकदम से। बिल्कुल 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से सूरज की शक्ल नहीं देखी है बिल्कुल भी। और एकदम से माहौल बिल्कुल ख़राब हो रहा है। और 3 दिन के लिए मनीषा जी भी जा रही है गाँव, तो अभी तैयार हो रही है वो। हो गए तैयार? दिखाता हूँ मैं आपको, तो दिखाता हूँ मैं आपको ये भी। और आप रोज कमेंट करते हो कि भाई लुगड़े में बनाओ, लुगड़े बनाओ। आज ये अपने गांव जा रही है, देखो लुगड़ा पहन के ही तैयार हो रही है एकदम। लुगड़ा है उड़ते हैं गाइस हमारे गांव में, देख लो जी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे भगवान की दया से। और अब मैं तो 3-4 दिन के लिए हमारे गांव जा रही हूँ, तो मेरी तो वीडियो नहीं मिलेगी देखने को। क्या पता राजेश जी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। देख लो एकदम से तैयार हो गए सब, जूते उते पहन के एकदम से झक कती हैं। गांव का तो छाव से गांव का छाव लग रहा है, क्या बात है। तभी देखो जूती उती, अरे वाह। तो इनके भैया आ रहे हैं लेने के लिए, तो आज तो ये गांव जाएंगे। लुगड़ा नहीं समझता, पीछे हो जाता रकस। अच्छा तो ये अब 2-3 दिन तो हमको अकेले गुजारने पड़ेंगे, क्या करें। और इनको इनके क्या भैया ड्यूटी से आ रहे हैं, तो इसलिए आम जाके आएगी, ले आएगी 2-3 दिन। और भूलेंगे, भूलेगी तो नहीं? नहीं किसको? किसी को नहीं भूले। नहीं, कहीं इनको भूल जाए या फिर हमें भूल जाए। वो तो गांव जाके सब भूल जाएंगे, पर ही मतलब गांव जाके भूलोगे जरूर, मतलब है। देख लो सर, देख लो जी, ऐसे बोल रहे भाई, गांव जाके तो भूल जाएंगे। सही, गांव में तो जाहिर गांव की। तो गाइस, बहुत से लोगों के कमेंट आते थे कि आप लुगड़ा ओढ़ के क्यों नहीं बनाती है ब्लॉग। तो आज हमारे गांव जा रही तो लुगड़ा ओढ़ रख रहा, क्योंकि हमारे गांव में लुगड़ा ही ओढ़ते पूरे। इधर को सब औरतें लुगड़ा ओढ़ती, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात का मौसम हो, कैसा भी मौसम हो। और अभी तैयार होके बैठी हुआ, बिल्कुल इंतजार कर रही, मेरे भैया जी आ रहे छोटे वाड़े लेने के लिए। और बहुत खुशी होती है भाई गांव के जाने की। तैयारी होती है उस दिन, तो बिल्कुल खाना भी नहीं खाते, मतलब आधी सी रोटी खाते। और मेरा आज जाने का प्लान तो नहीं था, कल जाने का फिकस तो, पर क्या अचानक प्लान बना आज का जाने, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई अचानक। क्योंकि कल तो एक दिन निकलता हुआ तो एक महीने के बराबर निकलता। तो अभी मेरे भैया रास्ते में आ पहुँचे और बैग में कपड़ा लता गांव में पहनने के लिए रख के तैयार कर दिए। और 3-4 दिन रुकूंगी, क्योंकि परसों दिन तो मेरे भैया जी आएंगे बर्थडे वाले ड्यूटी पे से, तो उसके एक दिन बाद में आऊँगी। तो मेरी आपको वीडियो देखने में नहीं मिलेगी, राजेश जी बनेंगे, करेंगे कुछ कोशिश, उनसे बनेगी ऐसी टूटी फूटी, तो प्लीज। तो गाइस देखो, बेचारी दोबारा पैर ही छूट गई। पहले मैंने खुलवा दिया था इनसे, प्रैंक वीडियो शूट किया था मैंने। और बताना आपको वो मेरा प्रैंक, हमने जो प्रैंक किया था वो कैसा लगा वीडियो। और अब दोबारा पहले रोने लग गई, और अब दोबारा से गाइस मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मेरी मम्मी कसम मेरे साथ में ना बहुत बड़ा प्रैंक किया था। मैं तो रोने लग गई। अब दोबारा, अब दोबारा चूड़ी पहन रही है दोबारा, और क्या। चलो कोई बात नहीं, बात कैसे नहीं, जो तैयार हो गई है, मेरा भैया आ रहा रास्ते में, मेरे को नहीं जाएगी नहीं जाएगी। इन गाइस आप उस वीडियो को देखना, अगर आप नहीं देखिए तो मजा आएगा, मतलब बहुत मस्त वीडियो। हमारे साथ पास मोबाइल तो रहना नहीं, टच करना, हमारी गांव की फैमिली से मिलवाते हैं आपसे। चलो वो तो मैं आऊंगा तब मिला देंगे, फिर लेने आऊंगा। तो गाइस हम तो बैठे हैं देखो, कम्बल ओढ़ के, बिल्कुल सर्दी बहुत तेज पड़ रही है, इनको लग नहीं रही है क्योंकि ये गांव जा रहे हैं, इसलिए सर्दी वर्दी कुछ नहीं लग रही है इनको अभी। हाँ सर्दी हमें ही लग रही है बस, हम यहीं पे गांव में, इसलिए। तो ये तो हो रहे हैं तैयार, देख सकते हो आप, ये तैयार हो रहे हैं। गांव जाते जाते कोई तैयार होना है, काम ही नहीं है। तो गाइस 3 दिन में आज जाके धूप निकली है बिल्कुल,
और अब तो चलकी पड़ रही है थोड़ी थोड़ी, मजा आ रहा है धूप में बैठने पर। और इधर इंतजार हो रहा है भैया का, इंतजार हो रहा है बेचारी एक घंटे से बैठी हुई है इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई लेने वाला आया नहीं इनको। अभी आने वाला है शायद, वो फोन तो कर लिया, तीन तीन बार फोन कर चुकी है घर पर, भाई कोई आ रहा है, कहाँ पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा, लेकिन वो जो आ रहा है वो फोन लेके नहीं आया, फोन घर छोड़ के आ गया वो तो इंतजार जोरों से हो रहा है भाई। और क्या है? तो अभी आ गए मनीषा का भैया आ गया, और अब जाने की तैयारी हो रही है इनकी, तो चलो भैया। तो अभी आराम से जाना है ना, बढ़िया देर देर जा दियो यार। और जल्दी पधार जाइए, अभी धीरे जाइए रे बगा जी, मत तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से ये। तो गए भाई, हम रह गए अकेले वो तो गए, हम अकेले रह गए। अब आज भाभी जी गांव गई है तो भैया कफी रहा सगम में आया, तो कह फिर पता नहीं क्या क्या पियोगा आज धूप निकली है तो हमारे कानू देखो बगैर टोपे के घूम रही है। कानू बेटा इधर देखो इधर, हेलो, अरे टाटा कर, टाटा, हेलो हेलो बोलो, परेशान मत करो, परेशान मत करो। एक आदमी की ड्यूटी रहती है इस पर सब दिन, एक आदमी इसके लिए चाहिए भाई। कानू इधर देख, इधर इधर देखो, हेलो बड़ा पापा क्या कह रहा है? खा कुछ भी हो गए सब खाती है तो गाइस जब 5 बज गए और अब सर्दी पड़ने लग गई, तो अब कपड़े वपड़े पहनेंगे और फिर रवाना होंगे अब यहाँ से। गाइस मनीषा तो है नहीं आज, और जीजी बना रही है खाना, और बहन जी परोसने में लगी हुई है, उससे तो बहुत सारा मिलता था। और बहन जी मौज है, मनीषा से तो बहुत कम चल रहा है, तो बेचारी जी जी रोटी कर रही है आज तो रोटी नहीं करे जी जी, तो रोटी पर थोड़ा बहुत तो सारा मलाई है सिवा रोटी चल, तो रोटी ऐसा काका रोट समझेगा जी जी रोटी रोज नहीं कर रही। ये भैया ट्रैक्टर से आए हैं तो भूख लगी हुई है इनको, सुबह से गए हैं देख ले कुछ कम से कम कर तो गाइस खाना खाएंगे अभी, और खाना वाना खा के और फिर हम तो वहीं खेतों पर ही जाएंगे, और आज तो वैसे ही अकेले हैं, लेकिन क्या करें भाई, काम तो करना पड़ेगा, तो खाना वाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस जब खाना वाना खा लिया और फ्री हो चुके हैं हम, और अब खेतों पर जाने का टाइम आ गया, क्योंकि आज मनीषा जी तो है नहीं, अकेले अकेले ही, अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें भाई, जाना तो पड़ेगा खेतों पर, और क्या करें, अकेले तो अकेले ही हैं आप जानते हो, मतलब मन नहीं लगता यार अकेले, एक दिन से साथ में रहते हैं सब, तो फिर अब अकेला रह गया, और दो तीन दिन तक अब शायद आएगी नहीं, तो दो तीन दिन पीछे उनको उनको ब्लॉग में भी आप दो तीन दिन पीछे देख पाओगे, तो तब तक एक दिन या सात दो दिन आपको मेरे ही ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आज कुछ ब्लॉग भी छोटा बना है, लेकिन अब क्या करें, अब जैसा हमसे बनाया वैसे बना दिया, तो दो दिन तक तो ऐसे ही बनेंगे, और
प्लीज अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।